भारतीय हलदर किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में किसानों ने बारिश में हुए नुकसान की भरपाई कराने की मांग की थी, साथ ही डीएपी की कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ भी कार्यवाही करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर धरना देने की चेतावनी दी है। मेरा नाम अनिल यादव है, मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूं युवा मोर्चा का, भारतीय हलदर किसान। आज अब ज्ञापन देने हैं, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, क्या प्रमुख मांग है? देखिए, हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, सबसे पहली जो मांग है प्रमुख, वो अभी जो बरसात हुई थी, बरसात से किसानों की जो फसलों का जो नुकसान हुआ है, तो अभी तक जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा कर दी थी कि सभी किसानों को हम 17,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देंगे, लेकिन किसी भी तहसील में, आगरा की में, अभी तक लेखपालों ने सर्वे नहीं किया है और सर्वे कर जो कागज़ सबमिट करने थे वो सबमिट नहीं किए हैं, तो किसी भी किसान को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। दूसरी हमारी जो मांग है प्रमुख, वो है कि जो डीएपी की कालाबाजारी हो रही है, देखिए सबसे ज़्यादा डीएपी की ज़रूरत जो किसानों को पड़ती है वो इसी माह में पड़ती है, आलू की बुवाई और गेहूँ की बुवाई, सरसों की बुवाई ये होती हैं, तो डीएपी की जो सघन सहकारी समिति से 1350 रुपये की जो रेट है, उस रेट में डीएपी मिलनी चाहिए किसान भाइयों को, और वो कालाबाजारी कर दी है उन्होंने, किसानों को नहीं मिल रही, तो ब्लैक रेट में मार्केट से खरीदना पड़ रहा है। 2000 रुपये तक डीएपी की बोरी किसान भाइयों को मिल रही है, तो उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि इसकी जाँच कराकर कार्रवाई करके, उचित कार्रवाई करके, और सभी किसानों को डीएपी सरकारी रेट पर मुआवजा कराई जाए। तीसरा जो बिजली के बिल है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब चुनाव आए थे उस समय किसानों से वादा किया था कि सभी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। किसानों के लिए मुफ्त बिजली देना तो बहुत दूर की बात है, उनके नलकूपों पर और बिजली के मीटर लगा दिए। अब मीटर के नाम पर जो कर्मचारी हैं इनके, वो तानाशाही कर रहे हैं, उल्टे सीधे बिल भेज रहे हैं, किसानों को 70,000 80,000 रुपये के बिल भेजे जा रहे हैं। अब किसान जो पहले से ही बारिश की वजह से मरा हुआ है, अब वो 80,000 1,00,000 रुपये बिल कहाँ से भरेगा? तो हमारी सरकार से मांग है कि किसानों के बिल माफ़ की जाएँ, ट्यूबवेलों के, और उचित कार्रवाई की जाए उन कर्मचारियों पर जो फर्जी बिल बनाकर किसानों का उत्पीड़न। मैं जितेंद्र कुशवाहा, भारतीय हलदर किसान यूनियन राष्ट्रीय युवा। आज अब ज्ञापन देना है, ज्ञापन के बाद मांगों को नहीं माना गया, तो भारतीय युवा मोर्चा का किस प्रकार का आगे कदम उठाएगा? भारतीय हलदर किसान यूनियन ने आज ज्ञापन दिया गया है, इसकी हमें पूरी पूरी उम्मीद है और पूरा पूरा हमें आश्वासन दे दिया गया है कि हमारी मांगों को पूरी किया जाएगा। फिर भी अगर ऐसी कोई बात आती है जिस प्रकार मांगे पूरी नहीं हो पाती हैं, तो हमारा सिर्फ किसानों का तो एक ही रहता है, धरना प्रदर्शन, और धरना प्रदर्शन के द्वारा हम अपनी मांगों को पूरी कराएंगे।